So what's up guys, it's your boy Ash Fam aka Ashutosh Talreja is back again with a new video. So अभी आप लोग बोलोगे मैं कौन हूँ. बहुत से लोगों ने मेरे को टिकटॉक पे देखा है. मैं टिकटॉक पे वायरल हूँ फिलहाल बिकॉज मैं पहला बंदा हूँ शायद जिसको 1.2K पे पॉपुलर क्रिएटर मिला. लोग हैरान हैं, पागल हो चुके हैं कि भाई इसको मिला कैसे. सो अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया ना टिकटॉक पे जाके आप भी फॉलो करो, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मेरे 13K हो गए. पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ जो लोग न्यू है, जो लोग मेरे को जानते नहीं है उनके लिए. गाइस मैं आशुतोष चल रहा हूँ, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करता हूँ, इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी करता हूँ, फोटोग्राफी की फ़ोटोज़ डालता हूँ, टिकटॉक पे टिकटॉक वीडियोज़ डालता हूँ और वैसे बहुत कुछ है. मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैंने सिर्फ इतना बोला कि ओ भाई तुम लोग मेरे को पूछते हो कि मेरे को पॉपुलर क्रिएटर मिला, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम बोलो मैंने अपने नाम के आगे इमोजी लगा है. ओ भाई मारो मुझे मारो. सो ये वाला मेरा वीडियो था जो बहुत वायरल हो चुका है फिलहाल टिकटॉक पे. अब भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इट इज़ 1.5 मिलियन व्यूज विथ 107K लाइक्स एंड मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है एंड आप लोग को भी लग रहा होगा. मैंने लास्ट 15 आवर्स में 1.3K फॉलोअर्स से, 1.3K टिकटॉक फैन से डायरेक्ट 12.4K या 12.4K अराउंड मैंने 15 टू 16 आवर्स में कंप्लीट कर दिया. मतलब कल मैंने 6 बजे समथिंग डाला था, सुबह मेरा 12K तक हो गया एंड आई एम लाइक आई मेड इट. मेरे को लोग इंस्टाग्राम पे DM कर रहे हैं, Gmail पे DM कर रहे हैं कि भाई देखो पॉपुलर क्रिएटर मिला कैसे. मेरी बैक स्टोरी थोड़ी बड़ी है सो मैं अपनी वाली ये वीडियो में नहीं बता रहा. मैं अपनी वाली को थोड़ा सस्पेंस में रख रहा हूँ बिकॉज मैंने बोला है जब मेरे को 50K प्लस फैंस हो जाएंगे टिकटॉक पे मैं तब रिवील करूँगा कि मेरे को पॉपुलर क्रिएटर कैसे मिला. बट आप लोगों के लिए मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे पा सकते हो पॉपुलर क्रिएटर जैसे मेरे को मिला है. मेरा रीज़न अलग है, मेरी वजह अलग है, बट बहुत से सीन्स है. सो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपना खुद का कंटेंट डालें. फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ, मैं कुछ लिपसिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं खुद की शक्ल, खुद ह्यूमन बींग एज ए ह्यूमन बींग खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टिकटॉक की ID पे. पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है. तभी आप अगर समझो मैं हूँ, मैं किसी और का कंटेंट अपने टिकटॉक पे डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं आपका वीडियो अपने टिकटॉक पे डाल रहा हूँ, दैट्स रॉन्ग. वो चीज़ के जैसे आपको पॉपुलर क्रिएटर कभी नहीं मिल सकता, नेवर. सेकेंड चीज, लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई मेरे तुझसे ज़्यादा फॉलोवर्स है, मेरे तुझसे ज़्यादा लाइक है, तेरे को कैसे मिल गया. भाई मेरी बैक स्टोरी अलग है, तुम लोग की बैक स्टोरी अलग रहेगी. फॉर एग्जाम्पल रीज़न क्या है मेरे वाले का, बहुत अलग है. मैं 2017 से हूँ, तुम अभी आए, ठीक है. टिकटॉक कभी भी फैंस लाइक्स के हिसाब से नहीं जाता. तुम्हारे भले 3 मिलियन हो, तुमको टिकटॉक नहीं देगा पॉपुलर क्रिएटर जब तक तुम्हारे जो सारे फैंस हैं, जितने भी आपको लोग फॉलो करते हैं, वो सारे एक्टिव नहीं हैं. सारे मतलब मैक्स टू मैक्स 90%. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे 10,000 हैं, ठीक है, 10,000 में से मेरे 9,000 एक्टिव हैं, तो मेरे को पॉपुलर क्रिएटर मिल जाएगा. बट 10,000 लोग हैं देखते आप, मतलब समझ रहे हो आप कि 10 आपके 1 लाख 3 लाख के, बट उतने लोग एक्टिव ही नहीं है, मतलब पहले थे अब यूज़ नहीं करते, वैसे टाइप से हो जाता है ना, तो वहाँ पे आप अटक जाते हो पॉपुलर क्रिएटर पाने से. नाउ लेट्स गो टू दी पॉइंट 3, मेक क्वालिटी वीडियोस. फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन इम्प्रूव करते रहो. मैं भी बहुत लोग से इंस्पायर होता हूँ, सुमित SK बहुत सही बंदा है, फिर अपना हार्दिक शर्मा नेक्स्ट लेवल, और भी बहुत लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ. अभी वो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि भाई इसको इतना जल्दी पॉपुलर क्रिएटर कैसे मिला है, नाउ आई डोंट नो, बट आई रिस्पेक्ट देम, दे आर लाइक मेरे बड़े भाई जैसे. वो लोग उनसे ही मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद पॉपुलर क्रिएटर होके उनसे सीख रहा हूँ. बिकॉज इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ हो, हमेशा वो दूसरों से सीखना चाहिए. लर्निंग इज़ द थिंग विच यू हैव टू लर्न. आप बूढ़े भी हो जाओ, आप कितने भी बड़े अमीर हो जाओ, कितने भी बड़े स्कॉलर हो जाओ, लेकिन आप नई नई चीज़ें हमेशा दूसरों से सीखते हो और आपको सीखना चाहिए. सो ट्राई टू डू न्यू थिंग्स. ओके पॉइंट 4, आप
दूसरों का अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, सो वहाँ पे जाके कमेंट करते हो कि ब्रो आपका कंटेंट अच्छा है, स्टार्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाओ, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट्स बनाओगे ना लोग आपको पहचानेंगे और जानेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे को पता है मेरे किस लेवल तक है। सो एंड थैंक्स टू म्यूजिकली एंड टिकटॉक इंडिया जिनके जैसे मेरे को पॉपुलर क्रिएटर है भाई नेक्स्ट लेवल भी था। टिकटॉक वीडियोज जब आप अपलोड करते हो, अभी समझो आपने अपलोड किया व्यूज़ नहीं आ रहे, आप डिलीट कर देते हो, डिलीट मत करना, आप क्या करो उसको जो ऑप्शन होता है ना पब्लिक वहाँ से उसको प्राइवेट में कर दो, ठीक है। सेकेंड चीज़ आप क्या करोगे कि फिर से डालो सेम वीडियो, लेकिन ये चीज़ एक या दो बार भी करना। फॉर एग्जांपल एक वीडियो क्लिक किया ना, अभी एक वीडियो है आपका, आपने पोस्ट किया व्यूज़ नहीं आ रहे, प्राइवेट में डाला, प्राइवेट में डाला, दूसरी बार आपने वो वीडियो अपलोड किया, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ तीन से चार बार मत करना सेम वीडियो क्लिक, मैक्स टू मैक्स वन, बिकॉज जब आप डिलीट करते हो ना एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो एक एल्गोरिथम में, सो वो आपको वहाँ पे आपका थोड़ा वीडियो के व्यूज़ कम हो जाते हैं, वायरल्स कम हो जाते हैं, वैसे टाइप के सीन थे। सो डोंट डिलीट टिकटॉक वीडियोस, मेक इट प्राइवेट, दैट विल बी मोर कैप, बहुत अच्छी बात होगी, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। सर भाई ये लेवल, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, हमेशा आपको बहुत लोग मिलेंगे बोलेंगे भाई कि मैं तेरे को, तू मेरे को पैसा दे मैं तेरे को फैंस दूंगा, मैं तेरे को तेरे 10K करा दूंगा, तेरे 20K कराऊंगा, ये चीज़ में मत जाना प्लीज़। सेकेंड चीज़ लोग बोलेंगे मेरे को तू 20,000 दे 30,000 दे, जितना भी है मैं तेरे को पॉपुलर क्रिएटर देगा, पॉपुलर क्रिएटर पैसे से मिलता है, ये जो लोग बोलते हैं ना भाई बिल्कुल गलत है, दैट्स द वर्स्ट थिंग। अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप कर लो आपके हिसाब से, आपकी मर्ज़ी, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप ट्राई कर लो, बट मैं एडवाइस करूँगा मत करो, बिकॉज आपके वहाँ पैसे गारंटी जाएंगे। ये जो चीज़ होती है ना टिकटॉक कभी भी पैसे से काम नहीं करता कि आप पैसा दो बोलो, बहुत अमीर लोग हो कितने लोग को मिल जाता, सो वो चीज़ पे कभी मत जाना गाइस प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। जो लाइट्स है, रिंग लाइट नहीं है ना तो आप मोबाइल की फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हो, मेरे पास भी रिंग लाइट नहीं है, मैं ये यूज़ करता हूँ, वेट ये भाई ये मैंने 150 रुपये का लिया भाई, मेरे पास स्टैंड देखोगे तुम हंस बैठोगे, कैसा है ना जब भी तुम वीडियोस बना रहे हो ना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, पीपल आपका रिंग लाइट, पीपल आपका ये ट्राईपॉड ये सब देख के कभी नहीं आपको, मतलब बोलते हैं ना आप बोलोगे मेरा अच्छा ट्राईपॉड रिंग लाइट, येस दैट्स गुड, बट कैसा है ना आप सोचो कि आप और सस्ते में कैसे अपना जुगाड़ कर सकते हो, जितना कम पैसा जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत से लोग मेरे को DM कर रहे, बहुत से लोग भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट थिंग किसी का भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ टिकटॉक इंडिया बोलता हूँ किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, बिकॉज आपका अकाउंट तब फ्रीज होता है जब आप टिकटॉक के रूल्स तोड़ोगे, जैसे टिकटॉक की कोई गाइडलाइंस है, टिकटॉक का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है टर्म्स एंड कंडीशन है आपने वो तोड़ा तो आपका अकाउंट फ्रीज होता है, अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज कभी नहीं होता, कभी नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज जब तक आप गलती करोगे नहीं टिकटॉक अकाउंट क्यों फ्रीज करेगा। अब बहुत लोग बोल रहे नहीं व्यूज़ पहले बहुत आते थे अब नहीं आ रहे, सो भाई बात कैसी है ना, पहले समझो 20,000 लोग बनाते थे टिकटॉक वीडियोस, एग्जांपल दे रहा हूँ 20,000 लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते थे, अब बना रहे 40,000, क्यों, क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं, यानी लोग घर पे बैठे तो इतना समझ जाओ कि किस हिसाब से लोग बना रहे रहेंगे, एक दिन में तीन चार वीडियो डाल दें, अब जो 40,000 लोग थे, ठीक है टोटल आपकी पॉपुलेशन है 40,000, देखते थे बनाते थे 20,000 तो बाकी 20,000 लोग तो आपका यहाँ व्यूज़ बढ़ता था, बट 40,000 के 40,000 लोग हैं और 40,000 के 40,000 आप लोग पोस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हो कि व्यूज़ आएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा टफ सिचुएशन चल रहा है, सो हो जाता है, सो फिलहाल टेंशन मत लो, अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है जब तक आपने टिकटॉक की गाइडलाइंस नहीं तोड़ी। सो भाई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि टिकटॉक में आपका जो अकाउंट है उसको आपको क्रिएटर अकाउंट टाइप करना पड़ता है, ठीक है, जब आप वो करते हो ना आपको आता है एक एनालिटिक्स का ऑप्शन, एनालिटिक्स का ऑप्शन जब आता है ना तब आपको एक फ़ायदा होता है, आप पता कर सकते हो कि कौन से टाइम पे लोगों ने आपका वीडियो देखा,
ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाला 4 बजे, 24 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि रात को 3 बजे लोगों ने ज़्यादा वीडियो देखा, सुबह 5 बजे ज़्यादा देखा, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो एंड आपको पता चलेगा कौन सा टाइम बेस्ट है वीडियो डालने का। समझो 4 बजे, तो आप 3:30 बजे डाल सकते हो वीडियो ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा आए। एनालिटिक्स और एल्गोरिथम को जब आप समझोगे, आप टिकटॉक किंग बन जाओगे, आपके वीडियोज ऐसे वायरल होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोग की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सो ये तो कुछ मेरे टिप्स जो आप लोग को फॉलो करने हैं, और भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं मेरे ख्याल से 3-4 दिन में अगर मेरे 50K हो जाते तो मैं रिवील करने वाला हूँ कि मेरे को पॉपुलर क्रिएटर कैसे मिला। एंड होप आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड ये वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज कैसे है ना, बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली टिकटॉक चल रहा कैसे। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरे को टिकटॉक पे फॉलो करोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू अगेन सून, एंड मेक श्योर यू आर सपोर्टिंग मी एंड मेकिंग इट 50K वेरी सून। सो लव यू ऑल।